हम विराज को साथ कर रहा हूँ आपका जीमेट पर। कैसे हैं आप सभी? आज जो हम स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरनल कम्बक्शन इंजन है, इसे कहा जाता है आंतरिक दहन इंजन। ठीक है, पढ़ने तो हम आज यही वाले हैं, लेकिन इससे पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंटरनल कम्बक्शन इंजन चलता किस तरीके से, मूवमेंट किस तरीके से। तो अभी इस समय पर आपके सामने दिख रहा है इंटरनल कम्बक्शन इंजन, और इंटरनल कम्बक्शन इंजन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन। अच्छा, यहां पर एक रोचक बात मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। देखिए, ट्रेन के अंदर आपने इंजन देखा होगा, रेलवे डीजल इंजन देखा होगा। तो रेलवे डीजल इंजन के विषय में आप एक बात नहीं जानते होंगे, हमारा रेलवे डीजल इंजन इंटरनल कम्बक्शन इंजन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन वो 16 सिलेंडर इंजन है, 16 सिलेंडर 16 सिलेंडर इंजन है, जिसमें जो वी शेप में जुड़े हुए होते हैं, 60 डिग्री कोण पर वी शेप में वो आपके जुड़े रहते हैं, यानी कि वी शेप 16 यानी V8 इंजन जिसे कहा जाता है ना, 16 सिलेंडर होते हैं, V8 इंजन जिसे कहा जाता है। चलिए अपन आगे बात करते हैं, इंटरनल कम्बक्शन इंजन की शुरुआत कहां से होती है और किस किस टाइप के इंजन हैं, जरा इसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो देखिए, आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी इस समय। हीट इंजन यानी ऊष्मीय इंजन, ये बेसिकली कहा जाए दो प्रकार के होते हैं, एक आईसी इंजन, एक आईसी इंजन, एक होता है ईसी इंजन। आईसी का मतलब यहां पर क्या है, तो यहां पर आईसी का मतलब है इंटरनल कंबक्शन, आंतरिक दहन। इसमें आईसी का मतलब है आंतरिक दहन, यानी कि इसके नाम से पता लगता है वो इंजन, वो सभी इंजन दुनिया के जिसमें ईंधन का दहन किसी बंद चैम्बर में हो रहा है, तो वह आंतरिक दहन इंजन। और ऐसी हमारा एक होता है बाह्य दहन, यानी कि इंजन में या इंजन को यूज करते समय ईंधन का दहन खुले वातावरण में, यानी डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में, अगर हवा के कांटेक्ट में अगर ईंधन आ रहा है तो वो जाएगा बाह्य दहन इंजन। एक बात ध्यान रखिए, हाँ, मैकेनिकल डीजल का है बिल्कुल, है ना, उन्हीं बच्चों के लिए। सुबह 10 बजे फिटर का है, शाम को आपका इलेक्ट्रिशियन का है, तीनों क्लास अब चालू कर दी गई हैं। अब बात करते हैं आईसी इंजन की, तो रोटरी इंजन अभी 2 मिनट बाद दिखाने वाला हूं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इसे बोलते प्रत्यावर्ती इंजन, जिसमें टीडीसी और बीडीसी दो मुख्य बिंदु होते हैं, इसमें प्रत्यागामी गति करता है। इंजन कैसी गति करता है, प्रत्यागामी गति करता है, तो प्रत्यागामी गति करेगा तो वो रेसिप्रोकेटिंग कहलाएगा। और ये कितने प्रकार के हैं, देखें, ईंधन के आधार पर पेट्रोल है और डीजल है, और कार्य के आधार पर यही 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी बाह्य दहन के भी रोटरी है ना, रेसिप्रोकेटिंग, इसमें भी पिस्टन होगा है ना, स्टीम इंजन वगैरह होंगे जो कि आपने देख रखे हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आगे बढ़ करके अगले विषय पर बात करते हैं। अगला क्या है आपका, अगला आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर हम इंजन्स की बात करें तो इंजन में रेसिप्रोकेटिंग की हमने बात की 2 मिनट पहले, इंजन पे अगर हम बात कर रहे हैं, इंजन में रेसिप्रोकेटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इंजन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। इंटरनल कम्बक्शन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन हमारे पास 2 प्रकार के हैं, स्पार्क इग्निशन कंप्रेस इग्निशन, जिसे अपन पेट्रोल और डीजल इंजन भी कहते हैं, ठीक है, और ये आगे जाकर के 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये आपको एक इंजन यहां पर दिखाई दे रहा है, ये बंकल इंजन है, ये प्रेजेंट टाइम में बंद हो चुका है, इसका उपयोग आज के समय में नहीं किया जा रहा है। ये भी एक तरीके से सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट की प्रक्रिया करता था, लेकिन इसमें रेसिप्रोकेटिंग नहीं था, ये अब बंद हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखो, पॉइंट टू पॉइंट अपन एक एक बात को समझ रहे हैं। देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंटरनल कंबक्शन इंजन, ये थोड़ा सा इंजन एक तरीके से कहा जाए दो बैलेंस करके चलाया जाता था, है ना, आपके अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इंजन आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरनल
कंबक्शन इंजन का ये वाला भाग जो है वो आपके इस समय पे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे अपन वजह समझते हैं। एक्चुअली होता क्या था, ये इंजन अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, और जब ये इंजन अचानक से अगर ये बंद हो जाए तो इसे स्टार्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हम इस इंजन का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अपन चलते हैं आगे इंजन के विषय में, मैं आपको और बातें बताता हूँ टाइप ऑफ इंजन के बारे में काफ़ी सारी। ये पीडीएफ आपको पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी, प्लस हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो आप ऐप डाउनलोड करें। और जहाँ पर रेलवे लोको पायलट की तैयारी कराई जाती है, इसके अलावा किसी और की तैयारी नहीं कराई जाती। ज़रा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इंजन के यहाँ काफ़ी सारे भाग दिए हुए हैं, इंजन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बीच में से काटा गया हुआ थोड़ा सा, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ आपको पिस्टन दिख रहा है, पिस्टन के साथ में कनेक्टिंग रॉड लगी हुई दिख रही है, गजन पिन दिखाई दे रही है, ये है केम शाफ्ट गियर, ये है केम शाफ्ट। ध्यान रखिएगा केम शाफ्ट का गियर विशेष तौर पर थोड़ा बड़ा रहता है, ये है क्रैंक का गियर, क्रैंक शाफ्ट का गियर, ये है फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील है ना। ये सारे सारे इंजन के पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और भी कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे हेड ऊपर वाला भाग, सिलेंडर बीच वाला भाग, पिस्टन देख ही लिया, कनेक्टिंग रोड देख ली, क्रैंकशाफ्ट देख ली। क्रैंकशाफ्ट अंदर है चूंकि दिखाई नहीं दे रही, तो मैं आपको यहाँ नहीं अभी नहीं दिखा पाऊंगा, दूसरी जगह पर मैं आपको क्रैंकशाफ्ट वगैरह दिखा दूंगा। इंजन ब्लॉक, ये बीच वाला भाग जो होता है इंजन ब्लॉक कहलाता है, इसके अंदर सिलेंडर होता है। क्रैंककेस नीचे वाला भाग, ये वाला भाग क्रैंककेस कहलाता है। फ्लाईव्हील हमने देख ही लिया, ये रहा नोजल, डीजल नोजल, यहाँ ऊपरी हिस्से में यहाँ पर ये डीजल का नोजल लगाया गया है, ये नोजल है, ठीक है। और नोजल के साथ साथ यहाँ वाल्व, वाल्व में भी दो प्रकार के होंगे, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब जो हमारा देखो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तब जाकर के आपकी समझ में आएगा। अभी तक तो इन्हें इंजन के भाग देखे, अब मैं आपको बता रहा हूँ देखिए इंजन में होता क्या क्या है, जरा चीजों को समझ लो। ये पूरा अपना यहाँ है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। सिलेंडर में भी क्या होता है, पिस्टन हमारा मूवमेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने ये पिस्टन का यहाँ पर सिरा बना दिया, तो निचली सिरा, निचली सीमा ये कहलाती बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। यहाँ पिस्टन आपका अंतिम सीमा यहाँ तक आएगा, सबसे नीचे अगर आएगा इंजन का पिस्टन तो आपका यहाँ तक आएगा, और फिर ऊपरी सीमा अगर हम देखें तो पिस्टन चलेगा टीडीसी तक, टॉप डेड सेंटर तक, है ना। टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को अगर हम कहेंगे तो स्ट्रोक कह देंगे, स्ट्रोक, 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 ठीक है, इसको स्ट्रोक कहेंगे। क्या देखिएगा, एक और बात ध्यान रखिएगा, ऊपर होता है सिलेंडर हेड, हेड, सिलेंडर हेड होता है ऊपर की साइड, और सिलेंडर हेड और पिस्टन, पिस्टन थोड़ा नीचे रह जाता है, सिलेंडर हेड थोड़ा ऊपर रहता है, बीच में कुछ एरिया रहता है। अगर हम इसको पूरा दबा देंगे तो पता है क्या होगा, जो भी हमारी जगह होगी वहां ईंधन नहीं रहेगा, और ईंधन नहीं रहेगा तो ऐसे में हम इंजन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो एक निश्चित जगह हम छोड़ के रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो भाग है, एक निश्चित भाग हम क्या करते हैं, छोड़ के रखते हैं। इस निश्चित भाग को हम कहते हैं सीवी, क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर हेड और टीडीसी के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहा जाता है, है ना। और ध्यान रखिएगा इसी से बनता है हमारा कंप्रेशन अनुपात। अब ये कंप्रेशन अनुपात क्या होता है, जब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हवा को या हवा और पेट्रोल के मिश्रण को हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, हवा के अणु और ईंधन के अणु पास पास आ जाए, कंप्रेस हो जाए, अलग अलग दोनों इंजनों में, ऐसा ही इंजन में मिक्स होकर के आता है, ये पेट्रोल और हवा दोनों मिक्स होकर के सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है, जबकि डीजल में केवल शुद्ध हवा रहती है। कंप्रेस करने का उद्देश्य डीजल इंजन में मुख्यतः यह होता है कि उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर इतना अधिक कर दिया जाए कि इसमें जैसे ही डीजल की छोटी छोटी कणों के रूप में छोड़ा जाए जब डीजल को, तो वो छोटे छोटे कण उस हवा के हैवी टेम्परेचर होने के कारण उसे तुरंत ही क्या कर ले, तुरंत जल जाए, है ना। बोले सर क्या हवा कंप्रेस होने पर गर्म हो जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। आपने देखा होगा अपने साइकिल के पंप में अगर हवा भरी होगी और अगर आपने पंप चलाया होगा तो आपने देखा होगा पंप नीचे की साइड से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है।
तो ये गर्म होने के पीछे मुख्य कारण होता है कंप्रेस एयर हमेशा क्या रहती है, गर्म होती है। अगर आप इसके उलट जाए, अगर आप पेट्रोल से अगर आपका हाथ गीला हो गया है तो आपने अगर हवा में उसे रखा है तो पेट्रोल उड़ता है, तो अणु जैसे जैसे दूर दूर जाते हैं, देखो क्या होता है, पिपरमेंट आप रख लें, पुदीना रख लें या सौंफ रख लें, जो भी है ऐसा कुछ, जो भी चीज आप जो मुंह को ठंडक पहुंचाती है, या नवरत्न का तेल रख लें, तो जैसे ही आप रखेंगे उसे रगड़ेंगे तो वो उड़ेगा। और अणु जब दूर दूर जाते हैं, अणु जब उड़ता है, इलायची है, इलायची भी अगर आप खा रहे हैं, किसी बहुत दूर व्यक्ति है वो भी क्या होता है वहां पर उसे सुगंध आ जाती है और आपके मुंह में ठंडक रहती है। इसके साथ साथ आपने डीओ वगैरह का भी लगाया होगा, है ना, परफ्यूम वगैरह लगाया हो, तो वो भी ठंडक का एहसास करते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उनके अणु बहुत तेज स्पीड से उड़ते हैं, हवा में निकलते हैं, यानी अपने सतह को छोड़ते हैं। तो अणु जिस सतह से दूर दूर जल्दी जल्दी जाते हैं वो सतह हमेशा ठंडी, और जहां पर अणु एक साथ इकट्ठे हो जाए वो सतह गर्म हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहां हमें हीट को प्रोड्यूस करना है, लाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, पिस्टन से हवा और पेट्रोल का मिश्रण, या फिर केवल और केवल हवा को कंप्रेस करते हैं। अगर ये ऐसा आई इंजन होता, स्पार्क इग्निशन होता, तो हम टेम्परेचर रखते 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, और अगर ये सीआई इंजन होता तो हम कंट्रोल कंडीशन में, यानी कि एक नियंत्रित ताप, हम रखते 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। कहने को तो एससीआई का टेम्परेचर इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन वो अनियंत्रित स्थिति हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में हमें इंजन को ठंडा करना पड़ता है, यानी सीआई इंजन को हमेशा हम पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और कई माध्यमों से ठंडा करते हैं। अच्छा, ऐसा ही इंजन को विशेष तौर पर केवल और केवल हवा से ही ठंडा किया जाता है, ठीक है, यानी जिसमें पेट्रोल होगा, पेट्रोल और हवा का मिश्रण जिसमें चलेगा, यानी स्पार्क प्लग जिसमें लगा रहेगा, वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही ताप उत्पन्न करेगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो प्री इग्निशन की स्थिति आती है। प्री इग्निशन क्या होता है, बाद की क्लासों में आपको बता पाएंगे, यानी इंजन में स्पार्क करने से पहले ही इंजन अपनी गर्मी से ही ईंधन को जला दे और उसका साइकिल भी पूरा ना हो पाए, तो वो क्या कहलाता है, प्री इग्निशन कहलाता है। ये एक दोष होता है, बाद में बताएंगे इसके बारे में डिटेल, बस थोड़ा सा हल्का सा मैंने। और सीआई इंजन का कंट्रोल करके रखा जाता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम के विषय में आपसे कहूं तो मिनिमम होगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका टेम्परेचर रहेगा। अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो। आपने परीक्षाओं में कई बार कंप्रेशन रेशियो की बात सुनी होगी। ऐसा ही इंजन का कंप्रेशन रेशियो प्रेजेंट टाइम में जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2018 का जिसमें एग्जाम भी शामिल है एएलपी का, 1:9 से 1:11 का अनुपात लिया जाता है। किसके लिए? SI इंजन के लिए। अगर वही बात किया जाए CI इंजन के लिए, तो CI इंजन का कंप्रेशन अनुपात होता है 1:11 से 1:22 तक का, ठीक है। ये कंप्रेशन अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो जरा इसका फॉर्मूला हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो भी डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं पिस्टन के द्वारा और क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें, यानी स्ट्रोक के द्वारा तय की गई कुल दूरी से बना हुआ संपूर्ण आयतन, ठीक है, स्ट्रोक जो लास्ट पॉइंट पे स्ट्रोक पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, है ना, पिस्टन सबसे नीचे पहुंच गया, तो यानी ये वाला वॉल्यूम, इस वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, यानी VC प्लस VD, ठीक है, ठीक है, इसको दोनों को आप क्या कर लें, एड ऑन कर लें और भाग दे दें, किसका, VC का भाग दे दें, और जैसे ही आप VC का भाग देते हैं तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो बन जाता है। बताइए यहां तक कोई परेशानी है क्या, किसी को कोई आपत्ति? अगर आपत्ति नहीं है तो एक बार लाइक जरूर कर दें ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों को ये वीडियो पहुंचा दें जो कि डीजल मैकेनिक से, मोटर व्हीकल से, ट्रैक्टर मैकेनिक से, ऑटोमोबाइल टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से, ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग किए हो, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किए हो, उन साथियों तक जरूर पहुंचा दें, ताकि वो बच्चे हम सभी अपनी एक अच्छी संख्या में क्या हो पाए, जुड़ पाए। तो यहाँ पर ये बात थी हमारी एक फोर स्ट्रोक इंजन के अकॉर्डिंग, या कह सकते हो IC इंजन के अकॉर्डिंग, या SI इंजन के अकॉर्डिंग, या CI इंजन के अकॉर्डिंग, एक मिश्रित रूप से बात चल रही है। कंपैरेटिवली हम बाद में इसको विशेष तौर पर पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। इस समय पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये है सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये वी शेप का ब्लॉक है और ये एक कंप्यूटर एक रो में लगा हुआ है ना, तो ये हाउसिंग है एक तरीके से कहा जाए। ये भी 4 सिलेंडर और ये भी कितना है, 4 सिलेंडर इंजन है, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको पिस्टन की एक संरचना दिखाई दे रही है, इसके विषय में अपन डिटेल से आगे बात करेंगे।
यहां पर पिस्टन के ऊपर लगाई जाती है पिस्टन रिंग है, ताकि पिस्टन जब ऊपर नीचे मूवमेंट करे तो हवा किसी प्रकार से लीकेज नहीं हो। लीकेज को रोकने के लिए, हवा के लीकेज को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिंगों का। और इन रिंगों में एक रिंग ऑयल रिंग भी होती है जो सबसे नीचे के सिरे पर लगाई जाती है पिस्टन के, ताकि ऑयल नीचे का, क्योंकि नीचे वाले चैम्बर में भरा रहता है ऑयल और ऊपर की साइड रहती है पूरी हवा। नीचे ऑयल जो होता है वो कहीं कंबक्शन चैम्बर यानी जहां पर दहन होता है ईंधन का वहां ना पहुंच जाए, उसको स्क्रैप कर दे, यानी ऑयल को स्क्रैप करके दोबारा ऑयल सम्प में पहुंचा दे, वो है ऑयल रिंग, ठीक है। और उसके अलावा जो कंप्रेशन को लीक होने से बचाती है, लीक नहीं होने देती है, वो है कंप्रेशन रिंग। रिंगों की संख्या, कंप्रेसर रिंग की संख्या मिनिमम दो रखी जाती है, मैक्सिमम आपके ऊपर है, तीन भी रख सकते हैं, चार भी रख सकते हैं। इसी प्रकार ऑयल की, ऑयल रिंग की संख्या मिनिमम एक रखी जाएगी, मैक्सिमम में आपकी इच्छा है आप दो भी रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा धड़ल्ले से हम ये क्वेश्चन थोड़े से कर लें और फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन का पार्ट नहीं है, पिस्टन के बिना इंजन अधूरा है, सिलेंडर ब्लॉक के बिना इंजन अधूरा है, और पिस्टन रिंग के बिना सिलेंडर इंजन पूरा अधूरा है, लेकिन क्लच के बिना इंजन को चलाया जा सकता है। आपने ट्यूबवेल वगैरह पे जो इंजन रखा हुआ देखा होगा उसमें क्लच नहीं होता, क्लच कहाँ होता है, जो कि मोटर व्हीकल होते हैं यानी जो सड़कों पर दौड़ते हैं उनमें होता है क्लच, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ऑटोमोबाइल द्वारा ऊर्जा के किस रूप को का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा ऊर्जा का उपयोग पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल द्वारा इंजन में, है ना, इंजन द्वारा किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ रासायनिक ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ केवल आएगा ऊष्मीय ऊर्जा। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, मैंने रसायन पर विशेष तौर पर टिक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कई बार पूछा गया है ऑटोमोबाइल इंजन में, यहाँ पर एक वर्ड जोड़ दिया जाता है ईंधन, ईंधन, ईंधन की किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगर ईंधन वर्ड अगर यहाँ आ जाता तो हम क्या बोलते थे, रासायनिक, केमिकल, ये पूछा गया था कई बार पिछली परीक्षाओं में ये पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं आया इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, यानी कि अगर ये ऑप्शन आता तो हम रासायनिक वर्ड का उपयोग करते, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका, सी, क्योंकि नॉर्मली ऊर्जा पूछी गई, ठीक है। अगला पॉइंट, संयोजक क्षण यानी कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा, कनेक्टिंग रॉड इस तरीके की होती है ध्यान रखिएगा, और ये जो रॉड होती है वो आई के समान आकार की होती है, इसका जो बड़ा सिरा होता है ये क्रैंक पिन पर जुड़ा होता है और छोटा सिरा जो होता है वो जो पिस्टन की गजन पिन पर जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो जुड़ता है गजन पर और ये जुड़ता है क्रैंक पर, क्रैंक पिन, पिन जरूर लगा ले दोनों में, पिन है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुख्य जर्नल और क्रैंकशाफ्ट पिन के केंद्र के केंद्रीय केंद्र रेखाओं साइलेंट के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, सेंटर लाइन के बीच की दूरी, ध्यान रखिएगा ये होता है जर्नल और ये आपकी, दो सेकेंड है ना, तो आपको ये आपके यहां पर ये आपकी क्रैंक पिन है ना, ये आपकी क्रैंक पिन हो गई, दो सेकेंड, ठीक है, दो सेकेंड, ये आपकी क्रैंक पिन हो गई। तो यहां पर आप ध्यान रखना ये होती है क्रैंक पिन, इसको अगर अपन केंद्र से देख ले तो क्रैंक पिन और ये है आपका जर्नल, इसको भी केंद्र से ले ले, इस केंद्र से इस केंद्र के बीच सीधी दूरी, ये सीधी दूरी, इसको कहा जाता है थ्रो या क्रैंक थ्रो भी आप इसे कह सकते हैं, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सिलेंडर बेस के थ्रू बॉल बेयरिंग से जुड़ा रहता है और बॉल बेयरिंग से जब ये जुड़ा रहता है तो यही हिस्सा जो होता है ना वो मूवमेंट कर रहा होता है, यानी ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, ये इस तरीके से आपका रेगुलरली मूवमेंट करता है। तो आपका यहाँ पर क्या है, क्रैंक थ्रो, ये है इतना सा भाग थ्रो, डबल थ्रो यानी दो थ्रो हो जाए तो ये दो थ्रो किसके बराबर होती है, एक स्ट्रोक के बराबर, ठीक है। दो थ्रो किसके बराबर होती है, एक स्ट्रोक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए याद रख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कनेक्टिंग रोड की अनुप्रस्थ काट होती है, अभी दो मिनट पहले मैंने कनेक्टिंग रोड बनाई थी और इसका अनुप्रस्थ काट मैंने आपको क्या बताया था, किस अक्षर के समान होती है,
अंग्रेजी के आई अक्षर के समान ये दिखाई देती है, क्लियर है? तो आपका आई सेक्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे स्टार्टर मोटर द्वारा संचालित होता है? क्रैंकशाफ्ट। देखो क्या होता है कि अगर हम कहें इंजन को अगर हमें किसी स्वचालित रूप से स्टार्ट करना है, किसी मोटर से स्टार्ट करना होता है, तो हम सबसे बड़े गियर का इस्तेमाल करते हैं, और इंजन के अंदर सबसे बड़ा गियर का रूप अगर कोई अदा कर सकता है वो है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील पर अगर दांते काट दिए जाए और उससे डीसी सीरीज मोटर को अगर जोड़ दिया जाए तो यह मोटर स्टार्टर मोटर कहलाती है, इसे और अच्छे शब्दों में ट्रैक्शन मोटर भी कहते हैं। इस मोटर की सहायता से, बैटरी की सहायता से इस मोटर को चलाया जाता है, और ये मोटर के जो दांते होते हैं वो फ्लाईव्हील से पिनियन होते हैं, यानी जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसी कंडीशन में फ्लाईव्हील इस इंजन, किसी भी इंजन को सीधे स्टार्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन मैं इस समय पे आपको करा रहा हूँ। रेगुलर इसी प्रकार से आप क्लास में जुड़े रहा करें और शेयर जरूर कर दें एक बार, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं आपसे। बोल रहा जा रहा है एक अल्टरनेटर आमतौर पर इंजन के खाली जगह लगाया जाता है। अल्टरनेटर, कभी भी अल्टरनेटर को लगाया जाएगा, कोई भी आपकी मोटर व्हीकल है उस मोटर व्हीकल के अगला जो भाग रहेगा उस अगले भाग के अंदर ही आप क्या कर पाएंगे, किसी भी गाड़ी के अंदर आप उसके अगले भाग में ही एक अल्टरनेटर को आप लगाएं, ताकि जितनी भी आप क्या करें बिजली संबंधी जितनी भी चीजें होती हैं, उपकरण जो होते हैं, वो उपकरणों का आप क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। यानी अगला भाग अगर ये है तो यहाँ पर आपका अल्टरनेटर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो बीच में पिछले सिरे पर सामने वाले भाग में, तो आपका आंसर आएगा सामने वाले भाग में, डी ऑप्शन, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कभी जोरदार भड़ंत होती है ना, तो ये आपके जो टक्कर लगती है उस टक्कर के फोर्स को भी क्या करता है, कम करता है, यानी कहीं ना कहीं वो क्या है, फायदेमंद है आपके लिए। क्लियर है, समझ गए होंगे आप सभी मेरी बात। तो अगले भाग में आएगा, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक ऑटोमोबाइल में आमतौर पर किस प्रकार के थर्मोस्टेट वाल्व का उपयोग किया जा रहा है? देखो थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, गर्मी मिलने पर फैलता है और ठंड होने पर सुकुड़ जाता है ना। इसमें एक इलेक्ट्रिक स्विच भी रहता है, ये स्विच एक दूसरे से जुड़ करके, है ना, ये एक दूसरे से जुड़ करके और क्या करते हैं, बंद और चालू होने का काम करते हैं। मैंने थर्मोस्टेट वाल्व का छोटा प्रारूप आपके सामने बनाया है। इस थर्मोस्टेट वाल्व का बाह्य आवरण प्लास्टिक का होता है और ये पानी के संपर्क में रहता है, पानी के संपर्क में। ध्यान रखिएगा अगर रेडिएटर में लगाए 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही पानी आता है, और मिनिमम कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही पानी आएगा थर्मोस्टेट वाल्व काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व काम करना शुरू कर देगा यानी कि रेडिएटर से पानी घूम करके आगे पहुंचने लग जाएगा, यानी रेडिएटर के द्वारा इंजन ठंडा होने लग जाएगा। और इसके अंदर हम क्या भर के रखते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक जो ऑटोमोबाइल है उन सब में किस प्रकार के थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, तो मोम प्रकार के। इसमें क्या भर दिया जाता है, इसमें भर दिया जाता है मोम। मोम बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी सुकुड़ता है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। तो ये थी आज की हमारी बहुत बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए, और ये आज से क्लास का आगाज हुआ है, ये हमारे लिए पहली क्लास है। चीजें मुझे बहुत सारी बतानी है आप सभी को, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए ये सब चीजें मैं आपसे ज्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के थ्रू ही आप हमसे पढ़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। और हमारे यहाँ केवल और केवल रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की ही तैयारी कराई जाती है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर किसी और वैकेंसी की तैयारी नहीं कराई जाती। हम फोकस है तो केवल और केवल रेलवे ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए। तो आप सभी जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।